एयर इंडिया एक्सप्रेस की अब तक तकरीबन 82 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद है और आप देखें जो पहला बोर्ड आपको नज़र आ रहा है तो एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो जयपुर की फ़्लाइट है उसके आगे आपको निरस्त यानी कि कैंसल्ड नज़र आ रहा है, ये जो फर्स्ट बोर्ड नज़र आ रहा है। और इसी तरीके से तकरीबन 82 ऐसी फ़्लाइट्स हैं जो अब तक कैंसिल हो चुकी हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस की। और इसका कारण बताया जा रहा है कि कल रात अचानक से 300 से ज़्यादा कैबिन क्रू सीनियर पायलट्स ने मास सिक लीव ले ली, यानी कि सिक लीव अप्लाई कर दी और उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ करके वो तमाम लोग आज ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से फ़्लाइट्स पर असर पड़ रहा है। और इसी वजह से 80 से ज़्यादा फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो गई हैं, डिले हो गई हैं, जिसका असर जाहिर तौर पर जो यात्री जो एयर इंडिया एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे हैं उन पर पड़ रहा है। अब कारण क्या है, कारणों को लेकर ये बात सामने आई है कि लगातार जो एयर इंडिया एक्सप्रेस की यूनियन थी वो मैनेजमेंट को अपने ग्रीवांसेस बता रही थी। उनका कहना था कि उनके साथ जब से टाटा के साथ मर्जर हुआ है तब से उनके साथ कई चीज़ों में भेदभाव किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई थी। ये कहा था कि नए नए रूल्स लेकर आए जा रहे हैं, डिसेंटिंग वॉइस अगर होती है उनको टर्मिनेट किया जा रहा है, और इस तरीके की कई जो चीज़ें हैं वो ग्रीवांसेस को लेकर लगातार वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और